अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज़ म्यूटेशन। अब एक बात माइंड में रखनी है कि म्यूटेशंस ओनली सोर्स है जो न्यू अलील्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वैसे क्रॉसिंग ओवर में भी रिकम्बिनेशंस बनते हैं और ये न्यू जेनेटिक मटीरियल प्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही सोर्स है। म्यूटेशन बेसिकली होता क्या है? ये चेंज होता है स्ट्रक्चर में जीन्स के और क्रोमोसोम्स के, यानी बेसिकली डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के मुताबिक क्या है कि अगर हमने जो एवोल्यूशन है उसको रोकना है तो कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर म्यूटेशन हो भी तो म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करे, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो रेट है म्यूटेशन का वाइल्ड टाइप से म्यूटेंट फॉर्म में, यानी डब्ल्यू से एम में, वो इक्वल होना चाहिए म्यूटेंट फॉर्म से वाइल्ड फॉर्म में, यानी उसका अल्टरनेट होना चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। और म्यूटेशंस बेसिकली इफेक्ट है लाइफ का, ठीक है। म्यूटेशंस जो हैं आर द ओरिजिन ऑफ ऑल न्यू जीन्स, ये न्यू जीन्स का ओरिजिन का ज़रिया है और सोर्स है वेरिएशंस की। म्यूटेशन क्या करती हैं, वो काउंटर कर देती हैं लॉस ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे लॉस हुआ? जेनेटिक मटेरियल का नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, यानी कुछ जीन्स एलिमिनेट हो जाती है ना नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, तो म्यूटेशन जो है उस लॉस को इनकाउंटर करती है। और इसके अलावा जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू भी जो जीन्स का लॉस होता है, म्यूटेशन उसको ओवरकम करती है। इसके अलावा ये इस चीज़ को इंक्रीज़ करती है, इस चांस को इन्हेंस करती है कि वेरिएशंस जो हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए एक पॉपुलेशन में। म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि एक म्यूटेशन होती है वाइल्ड टाइप एलील से म्यूटेंट फॉर्म में, उसको बैलेंस करते हैं बाय द म्यूटेशन फ्रॉम द म्यूटेंट फॉर्म टू वाइल्ड टाइप। दिस हैज़ अ सेम इफेक्ट ऑन एलीलिक फ्रिक्वेंसी इफ़ नो म्यूटेशन अकर, यानी जो म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम है उसका सेम इफेक्ट होगा कि उसके किस चीज़ के इक्वल होगा, किस चीज़ के सेम इफेक्ट होगा कि म्यूटेशन हो ही नहीं रही। म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम जो है रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन प्रेशर क्या होता है, ये टेंडेंसी हम मेजर करते हैं, एक जीन फ्रिक्वेंसी की टेंडेंसी मेजर करते हैं कि वो म्यूटेशन के थ्रू उनकी क्या टेंडेंसी है चेंज होने की। म्यूटेशन प्रेशर क्या है? मेजर ऑफ टेंडेंसी फॉर जीन फ्रिक्वेंसी टू चेंज थ्रू म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन के थ्रू जो चेंज आता है जीन फ्रिक्वेंसी में किस हद तक चेंज आता है, इस चीज़ को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेशंस बेसिकली रैंडम इवेंट्स होती हैं, ठीक है। और लाइकलीहुड ऑफ म्यूटेशन इज़ नॉट इफेक्टेड बाई म्यूटेशंस यूजफुलनेस, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये म्यूटेशन यूज़फुल है तो ये ज़्यादा टाइम्स होगी, या ये म्यूटेशन लीथल है तो नेक्स्ट टाइम ये म्यूटेशन नहीं होगी। हम ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि म्यूटेशन जो है वो एक रैंडम इवेंट है, ऑर्गेनिज्म फिल्टर नहीं कर सकते हार्मफुल जेनेटिक चेंजेस को, ठीक है। यानी वो ये नहीं कह सकते कि ये लीथल म्यूटेशन है नेक्स्ट टाइम इसने नहीं होना, बल्कि म्यूटेशन किसी भी वक्त किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। और ज़्यादातर म्यूटेशन जो होती हैं ना वो हार्मफुल होती हैं, कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो न्यूट्रल भी होती हैं और कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो बेनिफिशियल भी होती हैं। और इसके अलावा कुछ म्यूटेशन होती हैं कि वो एक इन्वायरमेंट में हार्मफुल होती हैं जबकि दूसरे इन्वायरमेंट में वो हार्मफुल नहीं बल्कि बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ सेलेक्शन, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।